बच्चों, आपको और हम सभी को कार्टून्स देखना बहुत पसंद है। कार्टून्स देखते हुए हम एक तसव्वुराती दुनिया में चले जाते हैं। हकीकत में जो बातें नामुमकिन होती है वो कार्टून में हम होते हुए देख सकते हैं, जिसमें कभी कभी जानवरों को बातें करते हुए दिखाया जाता है तो कभी बेजान चीज़ों को चलते फिरते हुए। कार्टून के ज़रिए बहुत सी मालूमात भी लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा रही है, तो वही कार्टून हमारे तफरी का सामान बनते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम मराठी की एक नज़्म का मुताला करेंगे, जिसमें तीन बेजान चीज़ों को आपस में बातें करते हुए दिखाया गया है। इन तीनों की बातों को बच्चों यकीनन आप इंजॉय करोगे। कविता क्रमांक 30, खुर्ची यानी स्टूल।